में आए हैं, अरविंद जी आपके बीच में आए, तमाम जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथी आपके बीच में आए, एक ही उम्मीद लेकर कि फरीदाबाद की जनता, जिसको स्मार्ट सिटी का सपना बेचा गया, जिसको ये दिखाया गया कि परिवर्तन लाया जाएगा, मगर पिछले 5 सालों में धोखा देकर पिछाड़ने का काम किया। अपने भाई भतीजों को बड़ी बड़ी जमीनें दी गई, जमीनों पर कब्जे किए गए। अगर आप चाहते हो फरीदाबाद को विकास की ओर प्रगति के पथ पर ले जाया जाए, तो एक ही निवेदन करता हूं, भाई नवीन जो है इनके झाड़ू का बटन दबाकर अपना एक एक कीमती वोट देकर एक ऐसी ताकत देने का काम करें कि फिर पार्लियामेंट में आपका सांसद आराम करने भी काम करने जाए और बदलाव फरीदाबाद के लिए लाने का काम करेगा। मैं तो दोबारा तमाम साथियों से, तमाम फरीदाबाद निवासियों से यही विनती करता हूं कि मौका है चुनने का, चुनो ऐसा जो दिन प्रतिदिन आपकी सेवा में तत्पर रहने का काम करे और भाई नवीन जय हिंद को अपना सांसद चुनकर झाड़ू का बटन दबाकर जिताने का काम करो। आप सबाए बहुत बहुत धन्यवाद। फरीदाबाद के सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज मैं और दुष्यंत चौटाला जी दोनों आप लोगों से अपील करने के लिए आए हैं कि ये वाला आने वाला चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। इस चुनाव में हरियाणा में जेजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से पिछले 4-5 साल में हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा का भाईचारा खराब करने की कोशिश की। पिछले 4-5 साल के अंदर हरियाणा में किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ। फरीदाबाद दिल्ली से सटा हुआ है, आप लोग दिल्ली रोज जाते होगे और आप लोग दिल्ली में देखते हो, अपने दोस्तों से सुनते हो कि किस तरह से पिछले 4 साल में एक तरफ जहां हरियाणा के अंदर भाईचारा खराब किया गया, भाई को भाई से लड़ाया गया, दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन क्षेत्रों के अंदर अभूतपूर्व विकास हुआ है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। दोस्तों, अब जेजेपी और आम आदमी पार्टी, हमारा भी वही सपना है जो हरियाणा के लोगों का सपना है, अपने को सबको मिलकर एक नया हरियाणा बनाना है जिसके अंदर 36 बिरादरी भाईचारे के साथ रहेगी। इस बार आने वाले चुनाव में भाई नवीन जय हिंद को आप सब लोग भारी बहुमत से जिताएं ताकि संसद के अंदर वो आप सब लोगों की आवाज बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया।